अजनी पुलिस थाना अंतर्गत 23 मार्च को गैंगरेप की घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस द्वारा चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अब इस मामले में एक अलग पहलू सामने आया है, जिसके बारे में अजनी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 मार्च को अजनी पुलिस थाना अंतर्गत गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी अमित लोखंडे, प्रशिक कोटे, बिटकू वाघमारे, दत्तू दावने और दत्तू खटिक को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने जब और अधिक जांच की, तब ये बात सामने आई कि रोहित रामटेके ये इस मामले का मुख्य सूत्रधार है और उसने पुरानी रंजिश के चलते इन चार आरोपियों को गैंग रेप के मामले में फंसाया है। इस बारे में जब हमने पुलिस से और अधिक जानकारी ली, तब उन्होंने बताया कि एक साल पहले आरोपी रोहित रामटेके को फंसाया था। अब एक साल बाद अपना बदला लेने के उद्देश्य से रोहित ने भी ऐसा ही षड्यंत्र रचा और चार आरोपियों को इस मामले में फंसाया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की। 23 मार्च पिछले महीने की 23 मार्च की घटना है। अपने पुलिस स्टेशन अजनी में गुना दर्ज हुआ था गैंगरेप का। उसमें एक फिरियादी पीड़ित मुलगी थी, माइनर लड़की थी। उसके साथ में कुछ शारीरिक संबंध का एक मामला हुआ था, जिसमें हमने पुलिस स्टेशन में गैंगरेप का और पोक्सो का एक गुना दाखिल किए थे और उस गुने में हमने चार आरोपी को अटक किए थे, अमित लोखंडे, प्रशिक गोटे, बिट्टू वाघमारे और दत्तू दाखले। ऐसे चार आरोपी हमने अटक किए थे, चारों अभी जेल में है। उस गुने में हमने और भी तपास किया, तब हमें उस गुने मालूम पड़ा कि इसमें एक इन्हीं का एक वैमनस्य वाला एक पुराना आरोपी था रोहित रामटेके, जिसके साथ में इसकी वाली दुश्मनी थी और उस दुश्मनी के इसमें इसने ये प्लान रचाया था और ये प्लान निष्पन्न होने के कारण हमने गुने में प्लान रचा करके रोहित रामटेके नाम के आरोपी को कलम ने अरेस्ट किया है। बता दें कि इस मामले में सभी गिरफ्तार आरोपी कुख्यात आरोपी है और सभी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।